तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है 10 के आसपास। तो आज का कुछ ऐसा प्लान है, हम जा रहे हैं अपनी कुलदेवी के स्थान पे, जो अपने गांव से लगभग 2 या 3 किलोमीटर है। और वैसे भी चल रहे हैं नवरात्रि, तो मैंने सोचा कि वहाँ के दर्शन भी कराऊँ और आपको भी करवा लूँ। ठीक है, तो अभी भाई आ रहा है, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो आए तो हम चलते हैं फिर। ठीक है, और वीडियो आपको कल कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अच्छी खासी भी मेहनत कर रहा हूँ, बट व्यूज़ थोड़े से डाउन आ रहे हैं। तो आप अपना प्यार यही रखें, जारी रखें, कभी ना कभी हमारे व्यूज़ भी 1K 2K पार जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रगल जारी रखते हैं और इसके बाद चलते हैं वो प्रकाश आने के बाद। ठीक है, तो अभी मैं प्रकाश के घर आया हूँ और यहाँ से वाइट सीमेंट लेके वहाँ पर जा रहे हैं। मंदिर को एकदम चमकाना है वाइट। दोस्तों अभी आ चुके हैं अपने मंदिर के जो स्थान है वहां पर, और यहाँ से हमें अभी हमें यहाँ से जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर के आसपास। तो ज्यादा दूर नहीं है जो ये मतलब जो है अंड कोई कह रहे वहाड़ को आगे पास ही कर रहे हैं इसको हटा रहे हैं और इसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि ये एक ही रास्ता है। इसके बाद तो एक रास्ता और है, बट वो उस साइड है, बट वो रास्ता सेट नहीं बैठता, ये रास्ता ठीक है। ठीक है भाई, हेल्प कराओ। हैं, अब भाई ने लगाया देसी जुगाड़। वाह, वह गया। तो हमारा खेत ये पूरा आपको दिख रहा है चारों तरफ से, ये बंजर जमीन है वैसे तो, और बारिश के समय हम यहाँ पे फसल उगाते हैं। अच्छी जमीन है। अच्छा, हाँ, यहाँ खेती बाड़ी करते नहीं है, मतलब बारिश के समय ही करते हैं, वो भी बहुत कम लोग, है ना। ये 5 किलोमीटर दूर की वजह से यहाँ नहीं आ पाते हैं। और ये पास में जो गांव है वो है प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ के अंदर ही आता है, बट थोड़ा दूर के हिसाब से यहाँ नहीं आते। अब ये जो मिट्टी दिख रही है आपको, ये खुदाई है सूअर ने कई। ओ भाई, ये है अपना गांव, ये वाला। ठीक है, फिर चलते हैं मंदिर में। तो अपने पास सामान भी है कुछ, और थोड़ा बहुत भाई के पास है। आज दोस्तों गर्मी भी थोड़ी ज्यादा है। ओ भाई, और चारों तरफ कोई है ही नहीं आसपास, हम दोनों भाई हैं सिर्फ। और ये खेत हमारे बहुत ही पुराना खेत है, लगभग कई सालों से, मतलब 50-60 साल पहले यहाँ पर होती थी बावड़ी वगैरह होती थी यहाँ पर। और मैं आपको दिखाता हूँ कुआं, इसके अंदर पानी तो है नहीं, बट पहले पानी था, अब है नहीं। और ये है हमारे बाबा रामदेव जी का मंदिर है, ये टूट गया है मतलब पूरी तरह से, पर बहुत ही पुराना है, हम भी कई सालों से आए हैं। बात कर रहे तो दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से। भाई है, ओ अरे यार, इसके अंदर तो पानी है। हाँ, ये देखो आप, पूरी तरह से दिख नहीं रहा होगा, बट इसके अंदर पानी, ये देखो मैं यार झूठ बोल रहा था, या तो फिर भाई कह रहा था सच, कि मैं पता नहीं कब आया था, 1 साल पहले आया था, आज ही आया हूँ वापस। तो ठीक है यार, क्योंकि हमारी जो कुलदेवी है, हमने इनका मंदिर अपने गांव में बनाया है। ठीक है, तो बट मेन स्थान यही है, तो हम यहाँ आते हैं, वैसे भी यहाँ चल रहा है नवरात्रि, इसलिए दर्शन करने के लिए हम भी आ गए हमारी। ठीक है, तो ये है मंदिर दोस्तों भगवान का। तो पहले आपको दर्शन करवा लेता हूँ, फिर मैं कर लेता हूँ। और ये क्या देवता? ये मामा जी है, मामा दानी। ठीक है, और ये बारिश के समय जो ये पूरी तरह से हो जाता है, फुल हो जाता है, इसको बोलते हैं हम नाडी, है नहीं, छोटा खाड़ा, छोटा खाड़ा तो ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो
तो फिर मैं भी हाथ जोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों हम साथ में लाए हैं व्हाइट सीमेंट, तो व्हाइट सीमेंट चारों तरफ से कर देंगे एकदम चकाचक व्हाइट पूरा, ठीक है। तो करते हैं, लगते हैं काम पर बिना टाइम वेस्ट करके, फिर मैं आपको बाद में मिलता हूँ। अरे यार ठीक है। तो दोस्तों अपनी जो देवी है कुल देवी हम बोलते हैं उनको, व्योति माँ, तो अपनी विहोत्री माँ कहते हैं कोई लोग और कोई कहते हैं व्योति माँ। तो इनका इतिहास बहुत ही पुराना है और हम यहाँ से नहीं, हम है कोंडला से, ये पास में गांव पड़ता है, हमारी मतलब जाति वहाँ से आई है जनजाति, और वहाँ पर हमारी कुल देवी यही है, कुल देवी व्योति माँ। और तो ये कुछ ऐसी ज़मीन है बंजर पड़ी है, अब यहाँ कोई नहीं रहता, और बारिश के समय यहाँ पर होती है खेती, तो लोग आते रहते हैं यहाँ पर हमारे जो परिवार वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो आपको दिख रहा है ये मंदिर है एक तरह से, और आसपास में जो दिख रहा है वो खंडर बना हुआ पहले का घर था, और पहले मतलब कई सालों पुराना, ठीक है। हम आते थे बट इतना हमें नहीं पता था। अब ये पता नहीं ये जानवर का कंकाल है शायद, किसी ने हड्डी ला, ये झाड़ इस पर लगती है कैर, और कैर से बनता है आसार, और कैर से एक और चीज़ बनती है, इसको बोलते हैं डेलू। है कोई दो साल पहले दौड़े तो अच्छा। और ये हमारे बाबा रामदेव जी। हेलो दोस्तों, यहाँ का थोड़ा बहुत इतिहास मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो देवी है कुल देवी व्योति माँ, यहाँ पर पहले इंसान की बलि दी जाती थी, मतलब ऐसा लोग मानते थे पहले, बट अब वैसा नहीं है, और इसके बाद दी जाती थी बकरे की बलि, और बीस बीस में कहा जाता था, हमारे जो दादी थे उन्होंने बोला था कि यहाँ पर भैंसे की भी बलि दी जाती थी, उसकी अभी तक वो नहीं हो पाई पुष्टि, लेकिन अभी वो फिलहाल बंद है, ऐसा कुछ नहीं है अब लगभग लगभग हो गए ये पूरी तरह से, ये पाबंदी हो गई इस पर, लो सरकार ने ऑलरेडी ये कानून भी बना दिया। और ये भाई अब इस दैड़ में कूदने वाला है। अब ये मुझे कह रहा है कि तू कूद इसके अंदर पानी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अरे मत झुक रे, इसके अंदर आत्मा है नहीं, इसके अंदर और एक आदमी गिरा था पहले की बात है, कई पुरानी है, बहुत ही पुरानी बात है। और यहाँ पर दूर दूर तक मतलब बिल्कुल पानी नहीं है। ये जो आपको दिख रही है मूर्ति, ये भगवान की है, और इसके ऊपर देखो आप, ये जो झाड़ है इसके ऊपर लगा हुआ है, देखो बिल्कुल इस पर झाड़ का जो लोड है पूरे इसके मूर्ति के ऊपर आ गया पूरी तरह से, ये देखो ये पूरा। दोस्तों हमारा अभी काम जो हो था वो कंप्लीट हो चुका है, और हम दोनों भाई जा रहे हैं घर, ठीक है। और अच्छा खासा यहाँ पर टाइम भी बिता लिया हमने, लगभग आए थे 11 के आसपास, अब बज रहे 12:30 के आसपास है, नहीं भाई 10:30 आए थे, 11 कहाँ बजे, 10:30 आए थे, हाँ ठीक है। तो फिर चले हेलो, मैं आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये बहुत दिनों के बाद आया, नहीं 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया है भाई को, और ये रहता है बॉम्बे, तो इसको आने का मौका इसी दिन में मिलता है नवरात्रि में। मैं यही रहता हूँ बट मैं अकेला नहीं आ पाता हूँ, और भाई के साथ आ जाता हूँ, ये है कोटवाड़ है। चलो ठीक है भाई, चलते हैं दोनों, और हमारी जुड़ी भगवान कायम रखे, नहीं भाई ये देख सब कलर हो चुका है, हम वापस घर पे जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, और ये हमारे पेंटर साहब है, ये इन भाई ने बहुत ही कलर किया वहाँ पर मंदिर में, दो मंदिर थे ना, बहुत बहुत धन्यवाद यार, धन दौलत थन भगवान देला है ना, आगे देख भगवान। चलो यार ठीक है, चलते हैं फिर, ओके बाय, धूप भी अच्छी खासी है। तो दोस्तों अभी करते हैं टोल नाका क्रॉस, ये टोल नाका है हमारा, शॉर्टकट रास्ता है, वो भाई जा रहा है, अरे मारा ये अपना शॉर्टकट रास्ता है, ये इधर बाइक पड़ा है, अभी बाइक पे निकलेंगे घर के लिए, तो ये तो मैं साथ में पड़ा।
चलते हैं भाई, ठीक है बे यार। कैमरा नहीं पढ़ना थी तुझे हम पढ़ बोला कि ओ भाई है तो ठीक, आसानी है भाई। अब निकल चुके हैं और ये हमारी बाइक है, तो भी जाने वाला है। ये देखो सारा कुछ ऐसे ही पड़ा है बंजर, ठीक है चले भाई। चल व्यवहार बता थोड़ा।